हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, मैथमेटिकल रीजनिंग दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉजिक, जो स्टेट बोर्ड में कंपलसरी वन क्वेश्चन आपको पूछा गया था, और ऐसे ही स्टेट बोर्ड में या फिर JEE हो या फिर अपना MSTCT रहो या फिर NDA भी रहो, उसमें कंपलसरी एक क्वेश्चन आपको लॉजिक चैप्टर पर पूछने ही पूछने वाले हैं। तो सर फिर वो एक क्वेश्चन कौन से भी टॉपिक का रह सकता है? तो वो एक तो इक्विवेलेंट का रह सकता है, बूलियन एक्सप्रेशन दिया रहेगा आपको, और इक्विवेलेंट का जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था उसमें से मुझे कुछ कमेंट आया है कि सर थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रही है सॉल्व करने में, तो उसको हम फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। उसमें से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैलेसी, या फिर कॉन्टिंजेंसी, उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर इक्विवेलेंस इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन जो है इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड का पोर्शन जो है, दोनों क्या चाहिए हमको, दोनों कॉलम्स क्या चाहिए, इक्वल्स चाहिए, उसको प्रूफ करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, फैलेसी, ये सब। सर्किट डायग्राम भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन किस पर पूछते हैं, दैट इज वन ऑफ द टॉपिक इज कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव, इस पर क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों। ओके, तो सर ये होता क्या है कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव? इट इज रिलेटेड विथ ओनली विच लॉजिकल कनेक्टिव, दैट इज इम्प्लीकेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट हम जिसको बोलते हैं, उसी के साथ ये क्या है, कनेक्टेड है। कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव हम कहीं पर भी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हमको इम्प्लीकेशन में, जहां पर हमको सेंटेंस में दिया रहता है इफ डॉट 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 देन, ये दिखता है, या फिर जो स्टेट बोर्ड में था वो जो कुछ भी हमने पढ़े स्टेट बोर्ड में वो लिटिल बिट इजी था, थोड़ा सा इजी था। हमने स्टेट बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आता था कि कंडीशनल का या फिर इम्प्लीकेशन का क्वेश्चन दिया था, उसको फिर कॉन्वर्स करो, इन्वर्स करो या फिर कॉन्ट्रापॉजिटिव करो, तो वहाँ पर हमको थोड़ा सा इजी लगता था, पर यहाँ पर थोड़ा सा 1% या फिर 2% हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है। जो कुछ भी थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन MSTCT या फिर JEE के एग्जाम में पूछते हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको तो देख लेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कि क्या होते हैं कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। सो जैसे कि मैंने बताया, इट इज विद रिलेटेड ओनली इम्प्लीकेशन, तो इम्प्लीकेशन का स्टेटमेंट या फिर कंडीशनल का स्टेटमेंट हमारा रहता है बच्चों पी इम्प्लाइज क्यू, उसको बोलेंगे हम कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, सो यू कैन नोट डाउन इट, कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है हमारा पी इम्प्लाइज क्यू। ओके, तो इसी पी इम्प्लाइज क्यू को हमको कॉन्वर्स निकालना है, इनवर्स निकालना है और कॉन्ट्रापॉजिटिव, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इसलिए उनके मार्क्स चले जाते हैं। ओके, तो कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू, सबसे पहले इसका देखेंगे कॉन्वर्स क्या होता है बच्चों, ठीक है। कॉन्वर्स होता है इसका, जैसे कि पी इम्प्लाइज क्यू है, इफ देन का ये स्टेटमेंट है, तो इसका अपोजिट जब हम करेंगे कॉन्वर्स, तो उसका हो जाएगा क्यू इम्प्लाइज पी। सो दिस इज द कॉन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू स्टेटमेंट का। फिर आएंगे बच्चों इनवर्स, इनवर्स क्या होता है इसका, इनवर्स के लिए मैं सबसे पहले पूछूंगा पी इम्प्लाइज क्यू को, और वहां पर लगा दूंगा निगेशन और निगेशन दोनों साइड में, दैट इज निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। ओके, फिर लास्ट में होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए मैं देखूंगा कॉन्वर्स को, ये माइंड में फिट करके रखना है आपको, ये माइंड में फिट करके रखना है कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे तो हम वो देखेंगे ही थोड़ी देर में, बट उससे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू का कॉन्वर्स होगा, क्यू इम्प्लाइज पी इनवर्स होगा, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा बच्चों निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने पढ़ा है इसलिए उनको तो दिक्कत नहीं जाएंगी, पर जो कुछ स्टूडेंट्स है उनको थोड़ा सा नया नया लगेगा, पर
इट इज नॉट प्रॉब्लम, हम सॉल्व कर लेंगे. ओके तो अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सबसे पहले इसके ट्रूथ टेबल देखते हैं. ओके तो ये सबको नोट डाउन करना है मेरे साथ ही, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम आएंगे. तो द ट्रूथ टेबल ऑफ, तो चलो लिखेंगे द ट्रूथ टेबल ऑफ कंडीशनल P implies Q, फिर इसका आ जाएगा कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव. एक इसका कंबाइन ट्रूथ टेबल हमको बनाना है जहां पर हमको कौन किसके साथ इक्विवेलेंट है वो समझ में आ जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा और उस पर से ही हम लर्न भी करेंगे, माइंड में हमारे फिट कर देंगे. ओके सो पी पहले कॉलम में बनाएंगे हम पी, जैसे कि हमको पता है पी इंप्लाइज क्यू है, तो पी इंप्लाइज क्यू दैट इज पी ये क्यू. ओके पी क्यू फिर आएगा पी इंप्लाइज क्यू. ओके ट्रूथ टेबल बनाने जा रहे हैं पी क्यू पी इंप्लाइज क्यू, फिर आएगा बच्चों दैट इज क्यू इंप्लाइज पी. करेक्ट क्यू इंप्लाइज पी आने के बाद हम यहां पर देखेंगे हमको क्या क्या लगने वाला है. निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू है, तो मैं सबसे पहले निगेशन पी फिर निकालेंगे निगेशन क्यू. ओके क्लियर, फिर निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू, निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू एंड आफ्टर दैट आई विल राइट निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी. ओके स्टार्ट करो जिनको आता है वो स्टार्ट करो. ओके हो गया बच्चों ये. चलो नेक्स्ट क्या है हो जाएगा, अभी देखो ट्रूथ टेबल तैयार करते हैं इसका. दैट इज पी, पी के नीचे टी टी एफ एफ. ओके ये सब लाइन में आ जाना चाहिए बराबर. क्यू में आ जाएगा दैट इज टी एफ. ओके फिर पी इंप्लाइज क्यू का, पी इंप्लाइज क्यू का ट्रूथ टेबल यहाँ पर चेक कर लो. दैट इज टी, पी इंप्लाइज क्यू में हम क्या देखते थे सीक्वेंस, पहले टी बाद में एफ, टी एफ रहा तो मैं लिख दूंगा एफ बाकी टी और ये भी क्या है टी. फिर यहां पर चेक कर लो क्यू इंप्लाइज पी, क्यू इंप्लाइज पी, तो मैं सबसे पहले क्यू का कॉलम देखूंगा फिर देखूंगा पी का कॉलम और इंप्लीकेशन में टी एफ वाला सीक्वेंस देखूंगा. तो सबसे पहले यहां पर टी और यहां पर एफ, तो यही एक है, यहां पर मैं एफ लिख दूंगा और बहुत ही आराम से बाकी सब जगह पर टी 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 लिख दूंगा. इज इट क्लियर इस तरह से अगर जाऊंगे तो सिंपल लगेगा. फिर निगेशन पी हो जाएगा बच्चों यहां पर, ये टी टी है यहां पर एफ एफ है, तो यहां पर एफ और ये टी और ये टी. सिमिलरली निगेशन क्यू, टी एफ है तो एफ टी एफ टी. करेक्ट तो ये हो गया निगेशन पी एंड निगेशन क्यू. अब देखते हैं निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू. निगेशन पी और निगेशन क्यू में क्या देखना है इम्प्लीफिकेशन, तो क्या देखूंगा मैं सबसे पहले टी एफ जो कि मुझे यहां पर दिख रहा है, यहां पर मैं एफ लिख डालूंगा और बड़े आराम से
बाकी जगह पर टी टी और टी लिखूंगा। और लास्ट वन में मुझे देखना है निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी, तो ये निगेशन क्यू पहले निगेशन पी बाद में, ओके और ये टी एफ है यहाँ पर, दैट इज फर्स्ट टी बाद में एफ टी एफ, तो ये हो जाएगा एफ और बाकी सब जगह पर टी 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 आराम से। ओके इज इट क्लियर? ट्रूथ टेबल बनाना आना चाहिए बच्चों को, यहीं पर थोड़ी सी गड़बड़ गई कि उनको इम्प्लीफिकेशन में समझ में नहीं आ रहा, चलो ठीक है, पर देखो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करके देखो तो इजीली समझ में आएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रॉम द टेबल ऑफ कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव के ट्रूथ टेबल से पी इम्प्लाइज क्यू, जो ये है पी इम्प्लाइज क्यू है, ये किसके साथ इक्विवेलेंट है? दैट इज टी एफ डबल टी एंड दैट इज टी एफ डबल टी। सो आई कैन राइट हियर P implies Q is equivalent to negation Q implies negation P, है कि नहीं? negation Q implies negation P and Q implies P ये किसके साथ equivalent है? That is check कर लो, अच्छे से check कर लो, that is Q implies P is equivalent with negation P implies negation Q। तो चलो ये फॉर्मूले भी हम लोगों को ध्यान में रखने हैं बच्चों, P implies Q is equivalent with that is negation Q implies negation P। तो negation Q implies negation P क्या था? ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव था। तो चलो देखो इम्प्लीकेशन जो भी कुछ भी है इम्प्लीकेशन, वो इक्विवेलेंट किसके साथ है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव के साथ है। ये यहाँ से चेक कर लो क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं प्रॉब्लम व्हाट इज द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ धिस करके। ओके ये दोनों भी अच्छे से ध्यान में रखो, इसलिए हम लोगों ने ये ट्रूथ टेबल बनाया है कि नहीं? तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो है इज ऑलवेज इक्विवेलेंट विथ कॉन्ट्रा पॉजिटिव, है कि नहीं? एंड कॉन्वर्स स्टेटमेंट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट विथ इनवर्स स्टेटमेंट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू? सो इस तरह से आपको ट्रूथ टेबल से हमने बनाया तो ध्यान में रखना है, एज पर बाय फॉर्मूला भी ध्यान में रखो, पी इम्प्लाइज क्यू का वो वाला और क्यू इम्प्लाइज पी का ये वाला भी, ठीक है? सो प्लीज नोट डाउन फास्ट। ओके नोट डाउन कर लिया सब बच्चों सबने, तो चलो अब आगे बढ़ेंगे कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव के, ठीक है? लेट्स कम टू द प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन फर्स्ट लिखो बच्चों, सबको नोट डाउन करना है। The inverse of the propositions
इफ टू नंबर्स आर इक्वल, इफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, देन देयर स्क्वेयर्स आर नॉट इक्वल. ओके, सो दिस इज द पर्टिक्युलर स्टेटमेंट, दिस इज द पर्टिक्युलर स्टेटमेंट फॉर कंडीशनल. ओके, इम्प्लीकेशन का यहाँ पर आपको क्लियरली इंडिकेट हो रहा है इफ और देन. तो इसका सबसे पहले लिखो सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है? चलो ट्राई करो, आपके पास एक मिनट का टाइम है. इसका इनवर्स फाइंड करना है बच्चों हमको, इनवर्स. ओके, हो गया. तो चलो चेक करते हैं, आप लोगों को भी चेक करना है कि किसका राइट है. तो इसमें क्या फाइंड करना है, लेट्स कम टू द सॉल्यूशन. तो चलो देखो, जो कुछ भी स्टेटमेंट दिया है उसका हमको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना आना चाहिए सबसे पहले. ओके, तो मैं सबसे पहले पी वाला स्टेटमेंट यहां पर चेक करता हूं कि क्या है पी वाला स्टेटमेंट. ओके, तो यहां पर इफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, ओके, इफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, यहां पर स्टूडेंट्स गलती कौन सी करते हैं, देखो वो पी वाले स्टेटमेंट में लिख देते हैं कि टू नंबर्स आर नॉट इक्वल. दिस इज रॉन्ग बच्चों, दिस इज रॉन्ग. हमको जो कुछ भी स्टेटमेंट है पी वाला या फिर क्यू वाला, वो पॉजिटिव वे में ही लिखना है. ओके, ये चीज ध्यान में रखो कि जो कुछ भी स्टेटमेंट है वो हमको पॉजिटिव वे में ही लिखना है. तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, जैसे कि टू नंबर्स आर नॉट इक्वल यहां पर निगेटिव में है, तो मैं यहां पर लिखूंगा टू नंबर्स आर इक्वल. ओके, सो दिस इज माय स्टेटमेंट पी. फिर क्यू लिखते हैं बच्चों, क्यू लिखेंगे देयर स्क्वेयर्स आर नॉट इक्वल, तो मैं क्यू का स्टेटमेंट लिखूंगा देयर स्क्वेयर्स आर इक्वल. ठीक है, देयर स्क्वेयर्स आर इक्वल, ये पॉजिटिव वे में लिखा. ठीक है, तो अभी बाय दिस स्टेटमेंट ऑफ इंप्लीकेशन कंडीशनल, तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं. सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों इसका, सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा इफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल. तो मेरे पास पी क्या है, टू नंबर्स आर इक्वल, इसका निगेशन अगर मैं लूंगा तो इसके सामने निगेशन लिख दूंगा और इसका नॉट लगा दूंगा. तो मेरा सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा यहां पर निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू. दिस इज द पर्टिकुलर सिंबॉलिक फॉर्म फर्स्टली आई राइट हियर. ओके, तो इस सिंबॉलिक फॉर्म का हमको क्या करना है बच्चों, इनवर्स लेना है, इनवर्स इस सिंबॉलिक फॉर्म का लेना है. अब ये p implies q के फॉर्म में नहीं है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ निगेशन p implies निगेशन q. ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म निकाल लिया मैंने. ओके, तो इसका मैं अभी इनवर्स लूंगा, तो इसका इनवर्स लिखेंगे वो हो जाएगा निगेशन निगेशन ऑफ निगेशन पी. ओके, इनवर्स क्या लिखते हैं चेक कर लो, पी इंप्लाइज क्यू का इनवर्स निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू होता है. तो यहां पर पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, निगेशन पी है ऑलरेडी, क्यू की वैल्यू क्या है, निगेशन क्यू है ऑलरेडी, इसका हमको इनवर्स करना है. सो दैट इज निगेशन ऑफ निगेशन पी बच्चो इंप्लाइज निगेशन ऑफ निगेशन क्यू. दैट इज द पर्टिकुलर इनवर्स ऑफ दिस सिंबॉलिक फॉर्म.
तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन पी होता है, पी इंप्लाइज निगेशन ऑफ निगेशन क्यू होता है क्यू। तो इस तरह से आ गया हमारा पी इंप्लाइज क्यू, और इसमें सिंपली वैल्यूज पुट अप, यानी पी का स्टेटमेंट पुट करते हैं, क्यू का स्टेटमेंट पुट करते हैं और उसको इफ देन के फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, चेक कर लो। इफ पी का स्टेटमेंट क्या है, सिंपल पी का स्टेटमेंट है, ये निगेशन नहीं है, इसमें टू नंबर्स आर इक्वल, इफ टू नंबर्स आर इक्वल देन, इफ टू नंबर्स आर इक्वल देन देयर स्क्वेयर्स आर इक्वल, देयर स्क्वेयर्स आर इक्वल। लाइक दिस बच्चों, वी हैव टू सॉल्व इनवर्स कॉन्वर्स या फिर कॉन्वर्स, इस तरह से हमको सॉल्व करना है, यहाँ पर गलती नहीं करनी है, ठीक है। बस स्टेप बाय स्टेप ये इजी था यहाँ पर, इसलिए निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू, पर इससे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है, पर यही फर्स्ट स्टेप हमको आनी चाहिए, ओके। सो प्लीज नोट डाउन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन, इस तरह के सिंबल के साथ पूछते हैं प्रॉब्लम। सबको नोट डाउन करना है, द इनवर्स ऑफ द कंडीशनल, द इनवर्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट लिख लो, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी देन X belongs to A or X belongs to B is, okay? So our option is A, if X is not, does not belongs to A union B, then X does not belongs to A or x does not belongs to b, okay? So जल्दी से मुझे आंसर बताना है आप लोगों को, if symbolic form तैयार करो इसका क्या होगा, एक बार सिंबॉलिक फॉर्म आ गया ना बच्चों तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। एंड ऑप्शन डी इज ओके। सो वेरी मच इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम अगेन, इस तरह के प्रॉब्लम एमएसटी सीईटी में पूछे गए हैं और पूछते ही है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से सॉल्व करके रखना है कि क्या बताया गया है, ये बिलोंग्स टू साइन यूनियन साइन, इसको डरना नहीं है बच्चों, ठीक है। तो फट से सॉल्व करो और आंसर बताओ।
ओके, लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या करना है, तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इफ ये बोला है देन, अभी इसमें अच्छे से ध्यान दो, ठीक है, आपको अच्छे से केयरफुली ध्यान देना है। यहां पर स्टूडेंट्स गलती कहां करते हैं, उनको लगता है इफ दिया है, इफ और देन के बीच में एक पी वाला सेंटेंस है, देन के बाद एक क्यू वाला स्टेटमेंट है, वो पी और क्यू कर देते हैं और उसका इनवर्स फाइंड करते हैं, पर ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। ओके, तो यहां पर देखो दिस वन इज पर्टिकुलर वन इफ के पहले का, और यहां पर ये जो और के वजह से हमको दो स्टेटमेंट मिल रहे हैं बच्चों, तो मैं यहां पर सबसे पहले क्या लिखूंगा, लेट पी इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ओके, फिर क्यू क्या है हमारा, पर्टिकुलर दिस एक्स बिलोंग्स टू ए। ओके, एंड यहां पर आर आ रहा है, आर एक्स बिलोंग्स टू बी। ओके, क्लियर हो रहा है यहां पर, पी क्यू एंड आर, वहां पर स्टेटमेंट पहले देख लो फोकस करके कि कितने दिए हैं पर्टिकुलर। ओके, तो पी क्यू आर हो गया मेरा, अब इस टाइप में मैं देखूंगा कि मेरा सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है। सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं बच्चों, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ पी, पी इंप्लाइज देन के बाद ये जो पूरा कन्वर्ट कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, दो कंबाइंड स्टेटमेंट, उसे अल्सो कॉल्ड एज क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट, ध्यान में रखो। इसको बोला है हम लोगों ने क्यू, तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा क्यू, और क्यू और इसको बोलेंगे आर। सो दिस इज माय सिंबॉलिक फॉर्म। फर्स्ट हमको ये सिंबॉलिक फॉर्म ही लिखना आना चाहिए, चेक कर लो सबका क्लियर है, दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, पर्टिकुलर दिस कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, सो पी इंप्लाइज दिस ब्रैकेट, तो इसका क्या निकालना है बच्चों, हमको इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स क्या करते लिखते हैं अपन, अगर पी इंप्लाइज क्यू रहा कंडीशनल स्टेटमेंट, इसका इनवर्स लिखना है, तो मैं क्या लिखता हूं, निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू लिखता हूं। यहां पर पी तो ठीक है। ओके, तो पी को लगाऊंगा मैं निगेशन पी, तो इसका इनवर्स देख लो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स देख लो बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पर ही लिखते हैं, दैट इज निगेशन पी, ओके, इंप्लाइज निगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट विच इज बाय डेफिनेशन कॉल्ड क्यू, तो निगेशन ऑफ क्यू, तो क्यू क्या दिया है यहां पर, क्यू और आर, सिंपल क्लियर हो रहा है यहां पर। और फिर इसको सॉल्व करेंगे, निगेशन पी इंप्लाइज ब्रैकेट में हो जाएगा निगेशन क्यू, और का क्या हो रहा है बच्चों यहां पर, चेक कर लो, गलती नहीं करना है यहां पर, निगेशन अंदर जब जा रहा है तो निगेशन क्यू एंड निगेशन आर। सो दिस इज माय पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ इनवर्स। अभी मैं इसमें वैल्यू पुटअप करूंगा और देखो किस तरह से आंसर निकलता है। मेरा पी वाला स्टेटमेंट क्या है, सिंपली पी ये यहां पर है, ये पी वाले स्टेटमेंट का मुझे क्या करना है, निगेशन करना है। निगेशन यानी क्या बच्चों, जो ये बिलोंग्स टू का साइन है ना, उसको निगेशन में हम क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, तो यहां पर आ जाएगा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ओके, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इससे पहले लिख डालेंगे इफ, ठीक है, इसको हम एलोबोरेट करने जा रहे हैं। इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, देन में सबसे पहले क्या है, निगेशन क्यू, हमारा क्यू क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो ये बिलोंग्स टू को मैं क्या कर दूंगा, निगेशन है तो दैट इज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, करेक्ट, देन के बाद, और फिर ये साइन कौन सा है, एंड, और निगेशन आर मीन्स आर है मेरे पास एक्स बिलोंग्स टू बी, उसको कर देंगे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सो दिस इज अवर इनवर्स स्टेटमेंट,
एंड अवर ऑप्शन विच इज इन द, यहाँ पर अभी चेक कर लो, दैट इज क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट दिख रहा है। इसके लिए देखो चेक कर लो, वैसे का वैसा ही है कि नहीं। तो इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन